close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever. दोस्तों, अगर आप ट्रेन में सफ़र किए हैं तो आप रेलवे स्टेशन पर वाईफाई लगा हुआ जरूर देखे होंगे, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि रेलवे मुफ्त में इंटरनेट सेवा कैसे देती है? अगर आपका जवाब नहीं है तो आप हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहें। भारतीय रेलवे सभी रेलवे स्टेशन पर मुफ्त इंटरनेट सेवा कैसे देता है, इसे जानने से पहले यह जानते हैं कि इंटरनेट कैसे काम करता है। आप अपने मोबाइल में इंटरनेट कैसे इस्तेमाल करते हैं? आपका जवाब होगा टावर के माध्यम से या फिर सैटेलाइट के माध्यम से। लेकिन आप अपने अनुसार तो सही है, लेकिन आपका जवाब बिल्कुल गलत है। आप उस तथ्य को नहीं जानते हैं कि आखिर यह इंटरनेट कहां से आता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया का 99% इंटरनेट केवल ऑप्टिकल फाइबर वायर के माध्यम से चलती है, और दुनिया के सभी देशों को उसी वायर के माध्यम से जोड़ दिया गया है, जिसे सबमरीन केबल कहा जाता है। और इस वायर को समुद्र के रास्ते सभी देशों को जोड़ा गया है, और यह वायर सभी देशों के समुद्र तट इलाकों के महत्वपूर्ण शहरों तक लाया गया है। इसके बाद उन्हीं समुद्र तटीय इलाकों के महत्वपूर्ण शहरों से भारत के अलग अलग शहरों तक यह वायर बिछाया गया है, जिसे BSNL, जियो, एयरटेल इत्यादि ने बिछाया है, और इसे टायर टू कंपनी कहा जाता है। और भारत के इन्हीं संचार कंपनियों ने अपना वायर बिछाकर सबमरीन केबल से जोड़ दिया है। भारतीय रेलवे मुफ्त इंटरनेट सेवा कैसे देती है? अब आते हैं अपने टॉपिक के महत्वपूर्ण बिंदु पर कि भारतीय रेलवे मुफ्त इंटरनेट सेवा कैसे देती है, और इसका एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपके पास दो कंप्यूटर है, और दोनों कंप्यूटर से फाइल या फिल्म का आदान प्रदान करना हो तो कैसे करेंगे? ब्लूटूथ या वाईफाई से आपको घंटों लग जाएंगे, लेकिन दोनों कंप्यूटर को वायर या केबल के माध्यम से जोड़ दिया जाए तो आप कुछ ही मिनटों में फाइल ट्रांसफ़र कर सकेंगे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के किसी भी सर्वर या डाटा फ्री में भेजा या लाया जाता है। तो इसका जवाब है कि टायर वन कंपनी, जिसने अपना पैसा लगाकर सबमरीन केबल को समुद्र में बिछाया है, और वह पैसा टायर टू कंपनी BSNL, जियो, एयरटेल इत्यादि हमसे लेकर और कुछ प्रतिशत रख कर दे दिया जाता है। अब कुछ कुछ बातें आपको समझ में आ गई होगी। आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे अपने शुरुआत के दिनों में इंटरनेट के लिए BSNL पर आश्रित था। बाद में भारतीय रेलवे ने अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए सितंबर 2000 में रेलटेल नामक एक सरकारी PSU कंपनी की शुरुआत की, जिसके द्वारा पूरे भारत में हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर वायर बिछाया गया। वर्तमान में यह हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर वायर लगभग 45,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और लगभग 5,000 रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है, जिसे फ्री में इन रेलवे स्टेशन को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ दिया गया है। फिर कुछ समय बाद रेलवे ने यह निर्णय लिया कि यह सुविधा आम लोगों को भी दिया जाए, क्योंकि भारतीय रेलवे के पास खुद का हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर बिछा हुआ था, तो पैसा केवल टायर वन कंपनी को ही देने थे। तो इसके लिए रेलवे ने गूगल से एक समझौता किया, और गूगल ने अपनी उच्च तकनीकी लगाकर सुरक्षित वाईफाई हॉटस्पॉट बनाया, जिसका रेंज सिर्फ रेलवे स्टेशन तक रखा गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय रेलवे के पास इतना सारा इंटरनेट कहाँ से आता है कि वह फ्री में बांटता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।